सरकार कैसी हो अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने बच्चों से संवाद किया। लगभग 2 घंटे चले इस संवाद सत्र में बच्चों ने अपने प्रश्न मुखरता से पूछे, जिनके जवाब भी मुख्य अतिथि ने बड़े ही रोचक तरीके से उन्हें दिए। जिस बच्चे ने उन्हें अपने प्रश्न से सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसे उन्होंने चुना सत्र का लीडर। उसे आप आज का लीडर घोषित कर दीजिए। लगा यहाँ 2-3 बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जिन्होंने विषयों को समझते हुए अपनी बात की है, जिसमें राजस्थान से जो है ये हमारे पीयूष गोयल जो है जिन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना विषय यहाँ रखा है। मैं समझता हूँ आज के इस सत्र का जो लीडरशिप का जो क्रेडिट जो है वो है, इनाम है, इनको ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए जानते हैं क्या प्रश्न था सत्र के लीडर का। नमस्कार सर, जैसा कि हमने देखा कि इस बार के लोकसभा राज्यसभा बजट सत्र को जो आए दिन बिना किसी कार्रवाई के स्थगित होता रहा, सर हमारी जनता लोकसभा के सांसदों को बेहद उम्मीद के साथ उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजती है जहां उन्हें यह आशा होती है कि वे जनता के मुद्दों को रखेंगे, उन्हें हल करेंगे, उन पर बातचीत होगी। परंतु बजाय बजट पर चर्चा करने के उनकी खामियां, उसकी कमियां या उसकी खूबियां बताने के, जनता को इन सब चीजों से अवगत करवाने की बजाय एक बेमतलब का मुद्दा सत्ता पक्ष द्वारा राहुल गांधी माफी मांगो जिस पर आए दिन हमारी लोकसभा राज्यसभा स्थगित हुई, मैं समझता हूं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। सर आज आप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और वह भी लोकतंत्र का मंदिर ही मानी जाती है, तो सर आप मुझे बताइए क्या यह हंगामा जिसके कारण आए दिन हमारे दोनों उच्च सदन स्थगित होती रही वह सही था? क्या आपको नहीं लगता कि दोनों सदनों के अध्यक्षों को ऐसे सदस्य जो हंगामा कर रहे थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी? लोकतंत्र के सबसे बड़े दो सदन, उनमें इस प्रकार से समय की बर्बादी होना क्या आपको नहीं लगता बेहद गलत है? और सर छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं कि जब हम बच्चे होकर राजस्थान की विधानसभा को इतना डिसिप्लिन तरीके से चला सकते हैं तो हमारे राजनेता जिन्हें सालों का अनुभव है उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत क्या शोभा देती है? धन्यवाद। डिजिटल बाल मेला के लिए शिमला से मैं मुस्कान गौतम।